वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ये साफ कह दिया है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्यता नहीं है, लेकिन पहले जो लोग कह रहे थे कि उन्हें कानून पर भरोसा है कि वो उनके पक्ष में फैसला सुनाएंगे, आज वही फैसला आने के बाद जल भुन गए हैं और तथाकथित सेक्युलरों को मिर्ची लग गई है। कोर्ट के इस फैसले की ओवैसी समेत कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आलोचना की है। दरअसल हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार यानी 17 मार्च को कर्नाटक बंद बुलाया है। आज के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य में व्यापार मंडल को भी बंद का समर्थन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि वह इस मामले में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि कर्नाटक बंद के लिए किसी भी से कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अमीर शरीयत कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान रश्दी ने इस बंद के लिए अपील की है। आपको बता दें, इस पूरे हिजाब मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और विद्यालय के यूनिफॉर्म का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र छात्राएं आपत्ति नहीं कर सकते। न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार के पास इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तेज दिनों से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।